इस कहानी की शुरुआत में हमें जेको नाम के एक शिप को दिखाया जाता है जो बाहरी जीवों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक बग दिखाई देता है जिसकी पिक्चर क्लिक करने के लिए वो उसके पीछे भागने लग जाता है। वो भागते भागते एक वुल्फ के पास पहुंचता है और गलती से वो उसकी फोटो देख कर वहां से भागने लगता है। उस वुल्फ का नाम ग्रे होता है जो बहुत मजाकिया था और किसी बात को सीरियस नहीं लेता। वहीं हमें मकरा को दिखाया जाता है जो वुल्फ पैक के लीडर होते हैं। वो अपने साथियों को कहते हैं कि हमारे गार्ड्स हो जाते हैं जिसकी वजह से जेकल हमारा खाना चुरा लेते हैं। तो रेगियर उन्हें कहता है कि ग्रे यहाँ से गायब है जिससे मकरा ग्रे पर गुस्सा होते हैं। वहीं जीको अपने गांव में पहुंच जाता है जो अपनी एक बुक को ढूंढने लगता है जिसमें बहुत सारे एनिमल के बारे में लिखा हुआ था जिससे उसे पता चलता है कि उसने जिस क्रिएचर को देखा था वो वुल्फ था जिससे वो डर जाता है। वहीं पर रेगियर अपने झुंड के पास आकर सभी को कहता है कि मुझे शिप के गांव के बारे में पता चला है और हम उनका आसानी से शिकार कर सकते हैं। तो मकरा उसे कहते हैं कि हम अपने मतलब के लिए हमें जरूरत होती है, हमें उतना ही शिकार करना चाहिए क्योंकि हर एक जान की कीमत होती है। फिर मकरा कहते हैं कि मैं पिछले 10 सालों से पैक का लीडर हूँ और अब वक्त हो चुका है कि पैक का कोई नया लीडर बने। और हमारे पूर्वजों का नियम कहता है कि सबसे ताकतवर वुल्फ खुद को एक नया लीडर तभी साबित कर पाएगा जब वो बाकियों को हरा देगा। ये सुनकर रेगियर सभी को कहता है कि पैक का नया लीडर मैं बनूंगा क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ और मुझसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन मकरा रेगियर को लीडर बनने नहीं दे सकते थे क्योंकि वो जानते थे कि रेगियर बुरा है और उनके कानून नहीं मानता। मगर कोई भी उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि सभी उसे डरते थे। तभी ग्रे वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि मैं रेगियर से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तो मगरा कहते हैं कि यहाँ से 3 दिन बाद ग्रे और रेगियर के बीच में लड़ाई होगी और जीतने वाला हमारे पैक का नया लीडर बनेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जीको गांव के अलर्ट बेल बजा रहा होता है क्योंकि वो सभी शिप को वुल्फ के बारे में बताना चाहता था। तभी उसके पास में शिप्स के लीडर बेलगोर आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे। फिर सभी बेल की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। तो बेलगोर कहते हैं क्या था जिससे सभी बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो सभी नमक का गिरना अपशगुन मानते थे। फिर जीको सभी से कहता है कि हम पर एक खतरा मंडरा रहा है जिसके बारे में मैंने पता लगाया है लेकिन उसके बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और सभी उस पर हंसने लग जाते हैं। तो जीको सभी को वुल्फ की फोटो दिखाता है कि हम पर बहुत सारे वुल्फ हमला करने वाले हैं जो थोड़े दिन पहले ही यहाँ रहने आए हैं। तो सभी शिप्स बहुत डर जाते हैं। बेलगोर कहते हैं कि हमें इनसे बचने के लिए नॉर्थ मेडो को बंद कर देना चाहिए जिससे हम सभी वुल्फ से बचे रहेंगे और कोई शिप नॉर्थ मेडो की तरफ नहीं जाएगा। तो बुचो नाम का शिप नॉर्थ मेडो के गेट को बंद कर देता है। फिर हमें ग्रे और बियंका को दिखाया जाता है क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे। बियंका एक बहुत ही सुंदर और समझदार वुल्फ होती है। वो ग्रे से कहती है कि तुम्हें रेगियर से लड़ने के लिए रेडी हो जाना चाहिए और तुम्हें उसे जीतना होगा क्योंकि अगर रेगियर पैक का लीडर बन गया तो हम सब पर मुसीबत आ जाएगी। तो ग्रे बियंका को विश्वास दिलाता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। फिर बियंका ग्रे से सरप्राइज के बारे में पूछने लगती है क्योंकि ग्रे 1 महीने पहले से कर रहा था। ग्रे उसे कहता है कि वो सरप्राइज तुम्हें जल्दी मिलेगा। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे आते हैं जहाँ पर ग्रे बियंका को अपने द्वारा बनाया गया दिल का निशान दिखाता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। तभी ग्रे देखता है कि रेगियर शिप्स के मेमनों का शिकार करने की कोशिश कर रहा है जो पैक के नियम के खिलाफ था। इसलिए ग्रे उसे रोकने के लिए चला जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। तो ग्रे उसे अपनी बातों में उलझाकर रखता है जिससे रेगियर एक पेड़ से टकराकर घायल हो जाता है जिससे ग्रे शिया नाम के मेमने को रेगियर से बचा लेता है और शिया को घर भाग जाने को कहता है। ढूंढ रही होती है तभी शिया उसके पास आ जाता है तो उसे नॉर्थ मेडो की तरफ जाने के बारे में पूछती है लेकिन शिया झूठ बोल देता है कि मैं वहाँ पर नहीं गया था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि पैक में पार्टी चल रही होती है जिससे सभी बहुत खुश थे। तभी ग्रे वहाँ आ जाता है और रेगियर उसका मजाक उड़ाने लगता है जिससे रेगियर गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है। तो दोनों लड़ने लग जाते हैं। रेगियर उसे जोकर बताता है और सभी को कहता है कि जिसे पैक के लिए एक मजबूत लीडर चाहिए वो अपने हाथ ऊपर करो लेकिन कोई अपना हाथ ऊपर नहीं करता। तो रेगियर गुस्सा होता है जिससे कुछ वुल्फ अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। तो ग्रे कहता है कि किसे पैक के लिए अच्छा लीडर चाहिए तो बहुत सारे वुल्फ अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं लेकिन बियंका किसी को अपना वोट नहीं देती क्योंकि उसे सरप्राइज अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वहाँ से चली जाती है जिससे ग्रे उसके पीछे जाता है। तो बियंका उसे गुस्सा होती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम सरप्राइज करना चाहते हो लेकिन तुम तो हर बात मजाक में निकाल देते हो और तुम अभी लीडर बनने के लिए रेडी नहीं हो और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी अपने आप को बदल पाओगे इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो ग्रे बहुत उदास हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बारो नाम का खरगोश अपना मैजिक दिखा रहा होता है जिसे देखकर ग्रे भी वहाँ जाता है। वो वहाँ पर हो रहे मैजिक से अपने आप को चेंज करने के बारे में सोचता है इसीलिए वो एक मामी नाम की जादुई खरगोश के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मैजिक से मुझे चेंज कर सकती हो। तो उसे बहुत सारी मैजिकल चीजें दिखाती है लेकिन वो मना कर देता है और उसे कहता है कि मुझे सिर्फ बियंका का प्यार चाहिए। तो मामी उसे कहती है कि तुम्हें इसके लिए कल आना होगा लेकिन वो कहता है कि बियंका कल तक मेरा वेट नहीं कर सकती जिस पर मामी बताती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ और वो उसे एक ट्रांसम्यूटेशन पोशन पीने के लिए देती है जिसे ग्रे पी लेता है जिससे उस पर जादू होने लगता है। मगर मैजिक फेल होने की वजह से उसके सिंह निकलने लगते हैं लेकिन इस बात का पता ग्रे को नहीं चलता और मामी उसे वहाँ से निकाल देती है। मामी बारो से सामान पैक करने को कहती है क्योंकि उसका मैजिक फेल हो गया था। वहीं ग्रे
खुशवा अपने पेड़ की तरफ बढ़ रहा होता है और पहाड़ों से टकराते हुए अपने साथियों के पास पहुंच जाता है, जहां उसे सभी वुल्फ अपना खाना समझते हैं, इसीलिए उस पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। तभी ग्रे को पता चलता है कि वो एक शिप बन चुका है, इसीलिए वहां से भागने लगता है। वुल्फ उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो भागते भागते शिप के गाँव में पहुँच जाता है, जहाँ वो गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। मगर मौज और उसके साथी उसे देख लेते हैं, इसीलिए उसे लायरा के पास ले जाते हैं। लायरा के इलाज की वजह से ग्रे होश में आ जाता है। ग्रे कहता है कि मैंने एक बुरा सपना देखा जिसमें मैं एक शिप बन चुका हूँ, लेकिन तभी वो देखता है कि हकीकत में एक शिप बन गया है, जिससे वो बहुत हैरान होता है। वो इधर उधर भागने लगता है और घर का सामान तोड़ देता है। तभी उसके सिर पर एक टोकरी गिर जाती है तो सामान से टकराकर फिर से बेहोश हो जाता है। फिर जब उसको होश आता है तो उसके सामने जीको और गाँव का मुखिया बेलकोर होता है और वो ग्रे से सवाल करते हैं कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो सभी कहता है कि मेरा नाम ग्रे है, और वो एक झूठी कहानी बना देता है कि वो इस्टानेट से आया है और उसकी पूरी फैमिली को शार्क ने खा लिया था। ये सुनकर सभी बहुत दुखी होते हैं और बेलकोर उसे वॉर्न करता है कि दूसरा कोई मिरर टूट जाता है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक कीड़ा ग्रे की नाक पर आकर बैठ जाता है तो उसे मारने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में उससे एक विंडो टूट जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मौज अपनी बेतुकी कहानियाँ ग्रे को सुना रहा होता है, जिससे उसका सिर दर्द करने लगता है। वो मौज को कहता है कि मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं और मुझे शांति से सोचने दो कि मेरे साथ क्या हुआ है। तभी उसे सोचते सोचते याद आता है कि मैं नीचे गिर गया था, तो इससे उसे एक आइडिया आता है कि वो फिर से गिरकर ठीक हो सकता है, जिससे ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरता है। लेकिन वो ठीक नहीं होता, मगर वो हार नहीं मानता और ऊंचे ऊंचे पेड़ों और मकानों से नीचे गिरता रहता है। लेकिन फिर भी वो नॉर्मल नहीं होता और उसे मामी के द्वारा किए गए मैजिक के बारे में याद आता है और वो सभी से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ और दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। फिर वो मामी के कैंप की तरफ निकल जाता है। ग्रे वहाँ पहुँच कर देखता है कि मामी और उसके साथी वहाँ से जा चुके थे, इससे वो बहुत उदास हो जाता है और वापस शिप्स के पास लौट आता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि पेग में बियंका ग्रे को ढूंढ रही थी तो रेगर उसे कहता है कि तुमने उसे ब्रेकअप कर लिया है, इससे वो बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिया सुबह जल्दी उठकर लायरा से परमिशन लेता है कि क्या मैं ग्रे के साथ प्लेग्राउंड में खेलने जा सकता हूँ। तो लायरा कहती है कि तुम जा सकते हो, लेकिन अपना लंच बॉक्स साथ में लेकर जाना। तभी ग्रे मौज को देखकर खिड़की की तरफ भागने लगता है, लेकिन मौज उसके पास आ जाता है और उन्हें टूर्नामेंट देखने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो काफी खुश होता है। वो देखते हैं कि ग्राउंड में दो शिप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन वो दोनों शिप कमजोर होते हैं। तभी रिंग में लुई द फियर्स की एंट्री होती है, जो कि इस गेम का चैंपियन होता है। तभी अनाउंस किया जाता है कि जिसमें भी मत हो वो इस रिंग के बादशाह से आकर लड़ सकता है। ग्रे देखकर चैंपियन का मजाक उड़ाता है कि इससे बड़े तो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो मौज ये सुनकर उसे लुई से रिंग में लड़ने के लिए भेज देता है। फिर दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ग्रे वुल्फ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, जो कि रिंग के रूल्स के खिलाफ था, जिसकी वजह से उसे रिंग से बाहर निकाल दिया जाता है और सलाह दी जाती है कि पहले शिप की तरह लड़ना सीखो फिर रिंग में आना। लायला शिया को डांटती है कि तुम्हें मुझे बिना बताए टूर्नामेंट में नहीं जाना चाहिए था और अगर ग्रे को कुछ हो जाता तो क्या होता। वही घास के मैदान में ग्रे अपने आप को घास खाने से रोकता है। तभी वो एक मेंढक को खाने की कोशिश करता है, लेकिन खा नहीं पाता। तभी वहाँ एक बर्ड की लैंडिंग होती है, जिसका नाम क्लिफ होता है, जो अपने आप को एक उड़ने वाला शिप समझता है। तभी लायरा और शिया ग्रे को ढूंढते हुए वुल्फ के सामने आ जाती है, तो लायरा चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर ग्रे वहाँ पर दौड़कर आता है और उन्हें वुल्फ से बचा लेता है। तभी वो देखता है कि मामी की सवारी जा रही है तो उसके पास जाता है, लेकिन मामी ग्रे को देखकर छिप जाती है। तभी ग्रे बारों से पूछता है कि तुम्हारे साथ जो लेडी थी वो कहाँ गई है, तो वो कहता है कि मामी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। तो ग्रे को कुछ समझ नहीं आता और वहाँ पर रखे सभी लेकिन उन्हें पीने से वो वुल्फ नहीं बन पाता। वही हम देखते हैं कि सभी शिप्स ने ग्रे के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी, क्योंकि ग्रे ने लायरा को वुल्फ से बचाया था। तभी ग्रे अपनी मूर्खता से शिया को वुल्फ से लड़ने के लिए कुछ मुंह के बारे में बता देता है। वही मौज लायरा के लिए फूल लेकर आता है, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसे प्रपोज करने से डरता था। फिर हम देखते हैं कि शिया अपने दोस्त सावे के साथ नॉर्थ मेडो की तरफ निकलते हैं, ताकि वो ग्रे के बताए गए मुंह की वुल्फ पर प्रैक्टिस कर सके। तभी उन्हें वहाँ दो वुल्फ दिखाई देते हैं, जो कि असल में रेगियर और मगरा होते हैं, जहाँ रेगियर मगरा कहता है कि ग्रे मुझसे डर कर भाग चुका है, क्योंकि उसे सिर्फ हंसी मजाक करने में मजा आता था, इसीलिए अब मैं ही पैक का लीडर बनूंगा। लेकिन मगरा उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि ग्रे की जगह पर मैं तुमसे लड़ूंगा, क्योंकि तुम पैक के लीडर बनने के लायक नहीं हो। तो रेगियर मगरा को धोखे से पहाड़ से नीचे फेंक देता है। शिया और सावी भी ये देख लेते हैं, जिससे वो डर कर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रेगियर उन्हें देख लेता है, इसीलिए वो शिया को पकड़कर एक गड्ढे में कैद कर लेता है और वो पेक के सभी भेड़ियों कहता है कि हमारे लीडर मगरा इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि वो डरपोक ग्रे को ढूंढते हुए चट्टान से फिसल कर खाई में गिर गए। लेकिन बियंका समझ जाती है कि रेगियर ने उन्हें मारा है, इसे सच क्यों नहीं बता देते कि तुमने ही उन्हें धक्का दिया था और तुम बिना लड़ाई लड़े लीडर नहीं बन सकते। तो रेगियर सभी को कहता है कि मुझे लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता और तुम्हारे कानून मगरा के साथ ही खत्म हो गए हैं, इसीलिए कल सुबह मेरी ताजपोशी की जाएगी और मैंने दावत का इंतजाम भी कर लिया है। वही लायरा अपने भाई शिया को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। तभी सावी वहाँ आकर सभी को पूरी बात बताता है कि शिया को वुल्फ ने पकड़ लिया है। तो
बेलगोर उस पर गुस्सा होते हैं कि तुम वहाँ क्या लेने गए थे और मैंने सभी को नॉर्थ मेडो जाने के लिए मना किया था। तो सावियो ने कहता है कि हम वहाँ सुपर मूव की प्रैक्टिस करने गए थे क्योंकि ग्रे ने कहा था कि वो वुल्फ को मारने में काम करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ग्रे उन्हें कहता है कि मैं तो उन्हें बस यूं ही बता रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो सच में वहाँ चले जाएंगे। तभी क्लिफ वहाँ आकर सभी को बताता है कि शिया को वुल्फ ने आके पास रखा है और शायद उसे खाने वाले हैं। तो ग्रे सुनकर बेलगोर से पूछता है कि तुम्हारे पास शिया को बचाने का क्या प्लान है। तो लीडर कहता है कि हम शिप हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो सभी बहुत उदास हो जाते हैं। ग्रे लगता है तो मौज भी उसके साथ शिया को बचाने जाता है ताकि वो लायरा को इम्प्रेस कर सके। फिर हम देखते हैं कि ग्रे और मौज पेक में पहुंच जाते हैं, जहां ग्रे मौज को अपना प्लान बताने लगता है, लेकिन तभी मौज बेहोश हो जाता है। फिर ग्रे स्किनी नाम के वुल्फ के पीछे जाता है और उसे पीछे देखने के लिए मना करता है। फिर उसे गड्ढे में डाल देता है जिसकी मदद से शिया बाहर आ जाता है। तभी स्किनी ग्रे को पहचान लेता है कि ग्रे वुल्फ से शिप बन चुका है। फिर ग्रे शिया को लेकर घर की तरफ जाने लगता है और अपना सारा क्रेडिट मौज को दे देता है और शिया कहता है कि सब मौज ने किया है ताकि लायरा उससे इम्प्रेस हो जाए। वही सारे शिप उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उन्हें आते हुए देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और लायरा सुनती है कि शिया को मौज ने बचाया है तो मौज से इम्प्रेस हो जाती है और उसे किस कर लेती है। ग्रे मौज और लायरा को देखकर उसे बियंका की याद आ जाती है तो उस पेड़ के पास चला जाता है जहाँ पर वो दोनों मिला करते थे। जेको भी ग्रे का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसे ग्रे पर शक हो गया था। तभी ग्रे बियंका को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है जिससे बियंका उस पर हमला करती है कि मैं ग्रे हूँ। तो उसे पूछती है कि ये सब कैसे हो सकता है। तो ग्रे कहता है कि सब मामी के म्यूजिक की वजह से हो गया है और तुम चाहती थी कि मैं चेंज हो जाऊँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बदल गया, इसीलिए मुझे शिप के साथ रहना पड़ रहा है। तो बियंका उसे कहती है कि रेगर पेक का लीडर बन गया है और मगरा मर चुके हैं, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी जीको उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। ग्रे बहुत उदास हुआ वहाँ से निकल जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि स्किनी रेगर को बताता है कि शिप के मेमने को रेगर ले गया है क्योंकि वो अब एक शिप बन गया है। तो रेगर उनसे कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर वो सभी को कहता है कि शिप हमारे मुँह से निवाला छीन रहे हैं और हमें घायल कर रहे हैं, इसीलिए अब उन्हें सजा मिलनी चाहिए और हम उनके गाँव पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देंगे। बियंका भी ये सब सुन लेती है जिससे वो ग्रे के लिए परेशान हो जाती है। वही हमें शिप के गाँव में दिखाया जाता है कि जीको सभी को कहता है कि ग्रे एक जासूस है और वो किसी का भी दोस्त नहीं है। तभी ग्रे भी वहाँ पर आ जाता है और जीको से जासूस कहता है नहीं करता। तो जीको सभी को ग्रे की वुल्फ के साथ फोटो दिखाता है जिससे सभी काफी हैरान हो जाते हैं और ग्रे से पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो जीको कहता है कि इस गद्दार को यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो ग्रे सभी को कहता है कि मैं खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहता क्योंकि तुम सभी पागल और डरपोक हो, और वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और शिया ग्रे को रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम बुरे नहीं हो और मुझे पता है कि तुम एक अच्छे वुल्फ हो क्योंकि तुमने मुझे रेगर से बचाया था। तो ग्रे उसे कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। फिर वो गाँव से चला जाता है। ग्रे जंगलों में इधर उधर घूमता रहता है और चलते चलते बेहोश हो जाता है। तभी मामी उसे ढूंढ लेती है और उसे अपने साथ लेकर आ जाती है। ग्रे को जब होश आता है तो मामी उसे बताती है कि कल दोपहर के बाद मैजिक पोशन का असर परमानेंट हो जाएगा जिससे फिर तुम कभी भी वापस वुल्फ नहीं बन पाओगे, इसीलिए अगर तुम्हें मैजिक को खत्म करना है तो तुम्हें मैजिकल डू को हासिल करना होगा जो कि ग्लेड पाइन के ट्री में एक बार ही बनती है और वो दिन कल ही है। इससे ग्रे बहुत खुश होता है। तो मामी उसे बताती है कि कल ही शिप के गाँव पर वुल्फ हमला करने वाले हैं तो तुम्हें गाँव से दूर रहना होगा। तो ग्रे कहता है कि रेगर सभी शिप को मार देगा जिससे वो बहुत उदास हो जाता है और वो शिप के गाँव पहुँचकर सभी को बताता है कि कल सुबह वुल्फ हम पर हमला करने वाले हैं, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। तो सभी को समझाता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ और हम सबको मिलकर उनका सामना करना होगा। तो बेलगोर सभी को कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि हम उनका सामना नहीं कर सकते। तो ग्रे उन्हें उनकी शक्ति के बारे में बताता है कि हम सब एक होकर उनको हरा सकते हैं क्योंकि हमारी एकता ही हमें जिता सकती है, इसीलिए हमें खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। फिर ग्रे सभी को वुल्फ का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लेता है। शिया ग्रे को देखकर बहुत खुश होता है। फिर ग्रे सभी को अपनी अपनी खूबी के अनुसार उन्हें काम दे देता है और वो जीको को अटैक का प्लान बनाने को कहता है क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था। तभी ग्रे को पता चलता है कि क्लिफ यहाँ से जा चुका है। फिर वो सभी मिलकर अपने हथियार रेडी करते हैं और मशीनें बनाते हैं। वहीं जीको प्लानिंग करता है और अब सभी शिप अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और वुल्फ अटैक करने के लिए आ जाते हैं। रेगर सभी वुल्फ को शिप पर अटैक करने को कहता है तो सभी शिप वुल्फ पर अटैक करने लग जाती है। सभी बहुत बहादुरी से लड़ रहे होते हैं। तभी मदद के लिए क्लिफ अपने साथियों के साथ आकर वुल्फ पर अटैक कर देता है। फिर वह अपनी प्लानिंग के अनुसार सभी वुल्फ को एक गुफा में ले जाते हैं जहाँ झरने का पानी बह रहा था, और वो सभी वुल्फ को गुफा में फंसा कर रास्ते को पत्थर की मदद से बंद कर देते हैं। लेकिन झरने का पानी इकट्ठा होने की वजह से सभी वुल्फ पानी में डूबने लगते हैं जिससे सभी वुल्फ मदद के लिए ग्रे को आवाज लगाने लगते हैं, जिससे ग्रे सभी को कहता है कि ये वुल्फ मेरा परिवार है इसीलिए मुझे उन्हें बचाना होगा। तो जीको कहता है कि अगर इन्हें बचाया गया तो हम सभी मारे जाएंगे। फिर ग्रे पेक के वासियों को बचाने के लिए अकेला चट्टान को हटाने लगता है। तभी शिया वहाँ जाता है और सभी को कहता है कि ग्रे एक वुल्फ है जो मैजिक की वजह से शिप बन गया है। तो सभी पेक को बचाने के लिए चट्टान को हटाने में मदद करते हैं जिससे सभी वुल्फ
बचकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन रेगियर शिया को पकड़कर चट्टान पर ले जाता है और कहता है कि तुम सभी बहुत मूर्ख हो। मगरा को रेगियर ने चट्टान से नीचे फेंक दिया था, जिससे ग्रेव को बहुत गुस्सा आता है और रेगियर सभी को आदेश देता है कि इन सभी शिप को मार डालो। तो ग्रेव ने कहता है कि ये पे का लीडर नहीं है, इसीलिए सभी को ऑर्डर नहीं दे सकता और आज लीडर का फैसला हो जाएगा। तो रेगियर ग्रेव पर हमला कर देता है। रेगियर ग्रेव से कहता है कि तुम बेवकूफ हो और हमेशा शिप बने रहोगे। तभी वहाँ पर बियंका और मामी आ जाती है, जो उसे मैजिकल ड्यू का पोषण दे देती है, जिससे मैजिक होने लगता है। लेकिन ग्रेव वुल्फ में चेंज नहीं होता, जिससे उसे लगता है कि उसने पोषण पीने में देर कर दी, जिससे वो अब कभी वुल्फ नहीं बन पाएगा। तभी रेगियर उस पर हमला करके उसे चट्टान में दबा देता है। तभी वहाँ पर मैजिक होने लगता है और ग्रेव वापस से वुल्फ बन जाता है, जो रेगियर से कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम पैक के लीडर नहीं बन सकते। फिर रेगियर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो खाई में गिर जाता है। सभी इससे बहुत खुश होते हैं और बेलगो और ग्रेव और बियंका की शादी करवाते हैं, जिससे अब सभी साथ में खुशी से रहने लग जाते हैं। वही हमें मामी को दिखाया जाता है, जो बारो को बताती है कि मैंने और बियंका ने ग्रे को जो मैजिकल पोशन दिया नहीं था, बल्कि उसमें क्रिस्टल जेल का पानी था। इसीलिए ग्रे खुद अपनी जिम्मेदारियों की वजह से नॉर्मल हुआ है और उसमें जो बदलाव आए हैं वो उसकी जिम्मेदारियों की वजह से आए हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।